नमस्कार। कल नेपाल के एक मीडिया एंकर है राजेंद्र शर्मा, वो कह रहे थे कि भारत अखंड भारत के तहत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है और ये सब बातें नेपाल के बहुत सारे मीडिया एंकर बोलते हैं। तो आज क्लियर हम कर देते हैं कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है, और ये अखंड भारत में नेपाल शामिल है कि नहीं शामिल है, इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। और राजेंद्र शर्मा ये भी कह रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी होती तो अब तक 70% नेपाल जो है वो उसका विलय भारत में हो जाता, यानी 70% नेपाल को भारत खा जाता यदि कांग्रेस पार्टी होती नेपाल में सत्ता में। तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा अखंड भारत को आप समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या है कि जब पाकिस्तान में अमेरिका का सब कुछ चलता था उस समय अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और वेटिकन सिटी ने पाकिस्तान में एक मिशन चलाया, एक कैंपेन चलाया, उसका नाम था गजवा हिंद, गजवाए हिंद। उसका मकसद है, वो आज भी चल रहा है, उसका मकसद है सभी हिंदुओं को मुस्लिम बना देना। ये किसने चलाया? ये वेटिकन सिटी ने चलवाया, जिसको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का पूरा सपोर्ट है। 1950 से ही अमेरिका, यूरोपियन यूनियन भारत के टुकड़े करना चाहते थे 1948 से ही, यानी भारत को कम से कम 5 देशों में बांटना चाहते थे। इसलिए इन्होंने बहुत सारे कैंपेन भारत में चलाए, फ्री पूर्वोत्तर, फ्री द्रविड़नाडु, फ्री खालिस्तान, फ्री कश्मीर, लेकिन वो किसी में भी सक्सेस नहीं हुए। वो इसलिए सक्सेस नहीं हुए क्योंकि रूस ने भारत का साथ दिया और चाइना ने भी भारत का साथ दिया। भले ही आज चाइना हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन चाइना ने कभी पहले भारत के टुकड़े नहीं करना चाहे, क्योंकि उसे मालूम था कि भारत के टुकड़े हो गए तो अमेरिका पूरे भारत में घुस जाएगा और भारत की जो हिमालयी सीमा है वहाँ भी अमेरिका बैठ जाएगा। इसलिए चाइना ने कभी भी भारत के टुकड़े नहीं करने चाहे, भले ही आज चाइना भारत का दुश्मन हो। तो गजवाए हिंद के जो मुसलमानों ने चलाया था वेटिकन सिटी के कहने पर, तो उसके प्रतिकार में आरएसएस ने एक चलाया अखंड भारत। उसका मतलब था उसमें बहुत सारी चीजें जैसे घर वापसी आदि, यानी सभी मुसलमान वापस हिंदू बन जाए, उसको घर वापसी कहते हैं। तो अखंड भारत जो कैंपियन है वो गजवाए हिंद इसके विपक्ष में चलाया गया है, ना कि नेपाल को भारत में विलय करवाने के लिए। दोस्तों अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत को अपनी सीमाएं इतनी बड़ी बनाना है। अखंड भारत का सीधा सा मतलब है कि सभी लोगों को, जो मुस्लिम लोग हैं उनको हिंदू बनाना, यानी इतनी सारी जगहों पे, जो आप मैप देख रहे हैं इतनी सारी जगहों पे सब जगह हिंदू होने चाहिए। तो नेपाल में तो वैसे ही सबसे ज्यादा हिंदू हैं, नेपाल कैसे अखंड भारत में आ जाएगा? वो तो ऑलरेडी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब भारत ही नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान जहां पर हिंदू लोग रहते हैं। तो अखंड भारत में नेपाल बिल्कुल शामिल नहीं है, बल्कि अखंड भारत बनवाने में नेपाल सहयोगी है। आप सीधा सा मतलब समझें कि इस समय तो संबंध खराब है भारत और नेपाल के, लेकिन एक परिवार में 2 सदस्य होते हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई। तो बड़ा भाई जो काम करेगा छोटा भाई उसकी मदद जरूर करेगा। हाँ, नेपाली लोग कहते हैं हम बड़े भाई हैं, भारत छोटा भाई है, वो अपनी सोच है आपको कि आपको क्या कहना है। लेकिन जब 2 भाई कहीं पर कोई काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो भारत यदि अखंड भारत बनाना चाहता है, यानी सभी मुसलमानों को घर वापसी, यानी सभी मुसलमानों को आरएसएस कहती है कि आप हिंदू बन जाएं, तो उसमें नेपाल पूरा सपोर्ट करता है। क्योंकि भैया दिखाने से करे न करे, लेकिन नेपाली हिंदू ये जरूर चाहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हिंदू बन जाएं, जो बुद्धिमान हिंदू हैं वो। नेपाल तो पहले ही एक हिंदू राष्ट्र है, भले ही संविधान के अनुसार वो सेकुलर हो, लेकिन वहां पर आज भी सब कुछ हिंदू परंपरा के अनुसार ही चलता है, यानी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल अखंड भारत में कैसे हो जाएगा, यानी भारत या अखंड भारत? अखंड भारत का मतलब जो उसका मेन उद्देश्य है वो है सभी लोगों को हिंदू बनाना, न कि किसी की सीमाओं को कब्जा करना।
आप लोग बार बार कहते हैं कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है। दोस्तों 1950 में भारतीय संविधान में एक चीज लिखी गई है, हमने पहले भी बताया था कि नेपाल एक सार्वभौम देश है, यह एक अलग देश है, इस पर भारत अधिकार नहीं कर सकता है। सिक्किम को अलग देश की मान्यता नहीं मिली भारतीय संविधान में, उत्तराखंड को अलग देश का मान्यता नहीं मिली भारतीय संविधान में, इसलिए उत्तराखंड हुआ या सिक्किम हुआ, ये इनका विलय भारत में हुआ। नेपाल को पहले से ही एक अलग देश की मान्यता दे दी गई थी 1923 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, और 1950 में भारत के द्वारा भी नेपाल एक अलग देश है, ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि नेपाल एक अलग देश है, इसको भारत कब्जा नहीं कर सकता है। तो अब सोचिए कि अगर आप खुद भी भारत में विलय करना चाहें अपना, तो नहीं हो सकते हैं। नेपाल का विलय अगर नेपाली चाहें कि भारत में हो जाए तो नहीं होगा। कश्मीर का विलय तो 70 साल में हुआ, जबकि कश्मीर का विलय पहले ही 70 साल पहले ही भारत में हो गया था, लेकिन पूर्ण विलय होने में 70 साल लग गया, जो कि भारत का हिस्सा था कश्मीर, उसका विलय राजा हरि सिंह ने भारत में करवाया था, तो उसका विलय भारत में करने के लिए 70 साल लग गया, ठीक है। तो नेपाल का विलय कैसे हो जाएगा, नेपाल तो अलग देश है। ये जो आपके मीडिया एंकर लोग हैं, ये बार बार कहते हैं कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है, ऐसा कोई संविधान नहीं भारत में बना है कि जो नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता हो। भारत संविधान से चलता है, न कि किसी नेता के बोलने पे चलता है। नेता क्या कर लेगा, मोदी नेपाल का विलय भारत में करवा देगा तो मोदी को क्या मिल जाएगा? और आपको क्या लगता है कि इतना आसान है किसी देश का किसी दूसरे देश में विलय कराना? ये इतना आसान नहीं है, इक्कीसवीं शताब्दी में किसी भी देश का विलय किसी दूसरे देश में नहीं हो सकता है। आप खुद सोचें कि पूरा चाइना चाहता है कि ताइवान का विलय चाइना में हो जाए, लेकिन क्या चाइना कर पाया? नहीं कर पाया, जबकि चाइना के सब लोग चाहते हैं। इसी प्रकार क्या भारतीय हिंदू कभी सपोर्ट करेंगे कि नेपाल का विलय भारत में हो जाए? कभी नहीं करेंगे सपोर्ट। हम आपको बार बार कहते हैं कि नेपाल का विलय भारत में नहीं होगा। आपकी मीडिया एंकर लोग जो ये बार बार कह रहे हैं कि भारत नेपाल का विलय भारत में करवाना चाहता है, ये 100% गलत है, ये केवल नेपाल के लोगों को भड़काने वाली बात है। अब अखंड भारत का नाम ले रहे हैं, इसका सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि नेपाल के जो मीडिया एंकर लोग हैं वो हिंदू हिंदू को लड़ाना चाहते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपाल की दूसरी मीडिया कह रही है। नेपाल में सब बंदा बड़े, हम आपको सुना देंगे। आपकी मीडिया खुद कह रही है कि प्रधानमंत्री ओली जो है वो आधा अमेरिकी एजेंट है, यूरोपियन एजेंट है और आधा चाइनीज एजेंट है, ऐसी आपका ये आपकी मीडिया कह रही है। दूसरा, ये राजेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस होती, नेपाली कांग्रेस होती सत्ता में, तो आधा 70% नेपाल भारत खा जाता। देखिए, इनका कांग्रेस पार्टी से टेंशन होगा, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी को नेपाल में गिराने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। भारत का नाम ले लेके सत्ता पर बैठते हैं आप लोगों के नेता, भारत विरोध कर करके झूठ फूट आपको भड़काते हैं भारत के खिलाफ। भारत के एक एक हिंदुओं को पूछे तो आप लोग कि क्या नेपाल का विलय भारत में करना चाहिए, तो कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा नेपाल अलग देश है, हमारा भाई है। हालांकि आजकल थोड़ा रिश्ते खराब जरूर चल रहे हैं, लेकिन भारतीय हिंदू ने नेपाल को हमेशा अपना भाई ही समझा है, और भाई की जमीन कोई दूसरा कब्जा नहीं करता है। छुटपुट विवाद जरूर होते हैं, लेकिन पूरे भाई को कोई नहीं मारना चाहता है। अखंड भारत का एजेंडा जो है वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बनाया गया है। गजवाए हिंद जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन की फंडिंग से चलता है। इसलिए ऐसी मीडिया सुनना आप लोग बिल्कुल बंद करें जो हिंदू हिंदू को लड़ाने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो भारत विलय कर देगा? पहले क्यों नहीं किया? पहले तो पूरा हिंदू राष्ट्र था, पहले तो विलय नहीं किया भारत ने। और ब्रिटेन ने हमेशा भड़काया है नेपालियों को, 1950 से ही पूरे नेपाल को भड़का रहा है ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन भारत के खिलाफ। तो सीधी बात क्या है कि नेपाल खुद भी चाहे
अपना विलय भारत में करवाना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी इजाजत भारतीय संविधान नहीं देता है। इसलिए आप लोगों को जो मीडिया एंकर लोग भड़का रहे हैं उनकी बातें सुनना बिल्कुल बंद करें। नेपाल का विलय कभी भारत में नहीं होगा और नेपाल की जमीन पर भारत कब्जा कभी नहीं करेगा। सीमा विवाद जरूर है, लेकिन भारत कभी भी नेपाल को कब्जा नहीं करना चाहता है। आप लोगों को जो लोग भड़का रहे हैं वो सरासर लड़ाने की बात कर रहे हैं हिंदू और हिंदुओं को, और इसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ वेटिकन सिटी का है। आजकल चाइना भी सपोर्ट करने लग गया है। धन्यवाद।